अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने पिताजी का जन्मदिन मुंबई के एक एनजीओ के बच्चों के साथ मनाया। यहाँ पर वो अपनी बेटी आराध्या और माँ के साथ आई हुई थी। सबसे पहले ऐश्वर्या ने अपनी माँ और बेटी के साथ तस्वीरें खिंचाई। उसके बाद बातचीत के दौरान उन्होंने बच्चों के बारे में बताया। I just have to state a few facts with you that it's not just about a smile, it's about the fact that children be able to breathe easily, they'll be able to swallow their saliva, they'll be able to drink water, they'll be able to eat, they'll be able to have clarity of speech, which gives them a way of life up ahead as human beings growing up in this world of so many opportunities. And that's why, while you recognize, every time we say smile, you think we're talking just about the physicality. No, it's about your basic right to a way of life. उसके बाद स्टेज पर उन्होंने अपने पिता के नाम का केक काटा, बच्चों के साथ मस्ती मारी, लोगों ने ऐश्वर्या के साथ सेल्फी भी खिंचाई और वहां से ऐश्वर्या निकल गईं। फिल्मी टाउन के सितारे अपने जन्मदिन पर कुछ न कुछ खास करते रहते हैं और इस बार अपने पिता के जन्मदिन पर जरूरतमंद बच्चों के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन ने ये दिन बिताया।